दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसी भर्तियों की जिनके आवेदन इस समय चल रहे हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किन किन भर्तियों के विज्ञापन जारी होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जहां से भर्तियां कवर की गई हैं वो विभाग है UP SSC, IBPS, SSC, डाक विभाग आदि। और एक भर्ती ऐसी है UP SSC की जिसके लिए आज से ही आवेदन शुरू हो रहे हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी UPSC की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा BPSC की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी PW, BPSC वाला, UPSC वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती है, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली क्लास नोट्स, PYQ एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। कोई भी डाउट किसी भी समय हो आप लोग 24/7 अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर एक बड़ा ऑफर भी चल रहा है केवल कुछ दिन के लिए, उसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। BPSC के जितने भी बैचेज हैं उनमें 76% तक की छूट दे दी गई है और इसी तरीके से UPSC के जितने भी बैचेज इस समय चल रहे हैं उनमें 80% तक की छूट दे दी गई है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से बैच चल रहे हैं, तो 70वीं BPSC के लिए यहाँ पर एक बैच है यूनिटी इंटीग्रेटेड के नाम से, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और ऐसे की तैयारी करवाई जाएगी। फीस तो केवल हो गई है ₹2,999। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच यशवी के नाम से आपको मिल जाएगा। और जो विद्यार्थी केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए आक्रोश के नाम से बैच है, जिसकी फीस तो केवल ₹1,499 ही रखी गई है। एक बात आपको और बता दूं कि यहाँ पर ऑफर तो ये चल ही रहा है लिमिटेड समय के लिए, इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे किसी भी बैच में PSP500 तो आप लोगों को ₹500 की और छूट मिल जाएगी, यानी कि ये कोर्स लगभग आपको ₹1,000 में ही मिल जाएगा। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए BPSC प्रीलिम्स बैच का नाम है ऊर्जा बैच। और जो विद्यार्थी UPPCS की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक संयुक्त 2.0 के नाम से बैच है, जिसमें PCS प्री पढ़ाई जाएगी, साथ में RO प्री की भी जो स्टडी है वो करवाई जाएगी। इसकी फीस भी केवल ₹1,499 रखी गई। जिन विद्यार्थियों का टारगेट PCS 2025 है तो उनके लिए सक्षम 2.0 बैच, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम के नाम से शुरू हो रहा। और जिनका टारगेट 2024 PCS है उनके लिए यूनिटी बैच है, जिसमें PCS प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करवाई जाएगी केवल ₹2,999 में। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ PW, BPSC वाला, UPSC वाला के प्लेटफॉर्म में आप लोगों को और अधिक जानकारियाँ भी मिल जाएंगी और वहाँ से आप लोग कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले UP SSC की। UP SSC से 3 भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे 10 भर्तियों के बारे में आप लोगों को जानकारी देनी है, तो इस वीडियो में तो मैं आपको वो भर्तियाँ बता रहा हूँ जिनके आवेदन चल रहे हैं। और अगला जो वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा उसमें आने वाली भर्तियों के बारे में बताऊंगा, खासतौर से शिक्षक भर्तियों की। तो यहाँ पर तो UP SSC की एक भर्ती है जिसकी लास्ट डेट 13 जुलाई है, ये देखिए यहाँ पर ये, और एक भर्ती की लास्ट डेट 19 जुलाई, एक भर्ती की लास्ट डेट है 7 अगस्त। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ से शुरू करते हैं ये वाली भर्ती। तो ये जो भर्ती है ये जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती आई थी, अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा, तो ये जूनियर इंजीनियर की भर्ती है और इसमें पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर के 2-3 बार नोटिस भी जारी हुई, लगभग 4700 पदों पर भर्ती हो गए। और जो भी डिप्लोमाधारी हो अब BTEC के विद्यार्थियों को भी इसमें मौका दे दिया गया, तो वो विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगली वैकेंसी है ये वाली विज्ञापन संख्या 09/2024 जिसकी लास्ट डेट 19 जुलाई है, ये भर्ती है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की। पद इसमें 397 है। पेट 2023 जो पास विद्यार्थी हैं वही इसमें आवेदन कर पाते हैं UP SSC की भर्तियों में। और इसमें कुछ आवश्यक योग्यता भी लिखी है, 1, 2 और 3, ये आप यहाँ देख सकते हैं। 1 जो नंबर है उसमें लिखा है कि विज्ञान या गणित या जीव विज्ञान के साथ में आपके पास कोई समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा हो, आपने पास की हो, इंटरमीडिएट मांगा गया है साइंस साइड। और इसके साथ में यहाँ पर कोई अथवा नहीं है, इंटर पास हो प्लस 2 साल का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए, जो पॉलिटेक्निक के बाद में मैंने आपको बताया बीता ये डिप्लोमा होता है, तो जिनके पास होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का डिप्लोमा हो प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरी भर्ती UP SSC की है BCG तकनीशियन, जिसके लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं 8 जुलाई से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त यहाँ पर रखी गई है। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं और स्पेशल योग्यता इसमें भी मांगी गई, पदों की संख्या इसमें 255 है। इसकी जो आवश्यक योग्यता ये है कि विद्यार्थी PET पास तो हों ही, साथ में यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा या इसके द्वारा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, साथ में स्टेट मेडिकल फैकल्टी या उत्तर प्रदेश अथवा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदत्त ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। याद रखिएगा इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है। अगली सूचना है भारतीय ग्रामीण डाक सेवक के 35,000 पदों पर नियुक्ति होगी। डाक विभाग में यहाँ पर लिखा है कि इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास, 10वीं कक्षा में एक विषय मातृभाषा का जरूर होना चाहिए, और जिस प्रदेश से आप आवेदन करना चाहते हैं, चूंकि ये अलग अलग प्रदेशों से वैकेंसी निकली हुई है, तो उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आयु सीमा 18 से 40 के बीच के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क वगैरह यहाँ पर ये लिखा है। इसकी जो वेबसाइट है indiapostgdonline.gov.in, और मेरिट के बेस पर यह वैकेंसी होती है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है लास्ट में, बस इतना होता है, इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है।
शैक्षणिक योग्यता वैसे मांगा तो इसमें केवल 10वीं जाता है ये देख लीजिए, और कंप्यूटर का नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए। अगली जो भर्ती है वो IBPS की है, बैंक क्लर्क की भर्ती निकली है 6128 पदों पर। यहाँ पर लिखा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड राष्ट्रीय बैंकों में क्लर्क के 6000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है वो 12 से 17 अगस्त तक होगी, प्रीलिम्स एग्जाम 24, 25 और 31 अगस्त को होगा, वहीं रिजल्ट इसका सितंबर में घोषित हो जाएगा। उम्मीदवारों के लिए इसमें मेंस भी होना है जो 13 अक्टूबर को होगा। तो जो बैंकों में बाबुओं की भर्ती निकली है उसमें योग्यता क्या है ये देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और लिखा है कि 27 साल से अधिक की एज नहीं होनी चाहिए। ऐसी ST OBC को यहाँ पर छूट भी दी जाती है, आवेदन शुल्क यहाँ पर लिखा हुआ है। मेन चीज है आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाइए आवेदन करिए, प्रीलिम्स दीजिए, मेंस दीजिए, बाबू बन जाइए। अगली जो भर्तियाँ हैं वो SSC की हैं, एक SSC की भर्ती, SSC से कई भर्तियाँ इस समय चल रही हैं। तो एक तो MTS की भर्ती निकली है और हवलदार की, जिसमें 8326, पिछली बार इतने पद नहीं थे, इस बार काफ़ी पद निकल रहे हैं SSC की भर्तियों में। हमने GD में भी देखा था कि लगभग 47-48 पद हो गए। CGL के बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको, उसमें भी 17000 से ज़्यादा पद हैं, और यहाँ पर ये MTS है, MTS में भी 8326 पद हैं। नीचे लिखा है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई के पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना है। वेबसाइट है ssc.gov.in, यहाँ पर जाकर के आप लोगों को आवेदन करना है। न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 25 और 27, क्योंकि इसमें दो प्रकार की पोस्ट हैं, यानी कि MTS और हवलदार, और शैक्षणिक योग्यता में हाई स्कूल ही है। ऐसे आवेदन कैसे करेंगे, SSC ने एक OTR प्रणाली लागू कर दी है, जैसे लोक सेवा आयोग ने जारी किया है, उसी तरीके से आपको OTR करना होगा, उसके बाद में आपको आवेदन करना। SSC से एक और वैकेंसी निकली है CGL की, ये तो बात हो रही थी मल्टीटास्किंग और हवलदार की वैकेंसी की, विस्तृत नोटिफिकेशन SSC की वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिए और आवेदन कर दीजिए अगर करना हो तो। अब हम बात करेंगे SSC की एक दूसरी वैकेंसी, SSC CGL से भी वैकेंसी आ गई है। तो SSC से जो पद हैं वो 17727 हैं, हम केवल प्रमुख बातें देखेंगे। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद हैं, भारत के जितने भी बड़े केंद्रीय संस्थान हैं वहाँ पर इनकी नियुक्तियाँ होती हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 जुलाई तक है, याद रखिएगा 24 जुलाई के पहले पहले आप लोगों को इसके लिए आवेदन करना है। एज लिमिट इसकी 18 से 32 है, अलग अलग कैटेगरी को इसमें छूट भी दी जाती है। Tier 1 Tier 2 परीक्षाएं होती हैं, Tier 1 की अगर हम लोग बात करें तो लिखा है सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप लोगों की ये परीक्षा हो जाएगी। विभिन्न प्रकार के पद होते हैं और इसीलिए ज़्यादातर में योग्यता में भी अंतर आपको भी देखने को मिलेगा, योग्यता की बात मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। इसमें पद कौन कौन से हैं, इस बार लिखा है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, स्टैटिकल ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट पोस्ट। तो इस प्रकार के पद होते केंद्रीय संस्थानों में। और वहीं पर हम अगर योग्यता बात करें तो ज़्यादातर पदों में जो योग्यता होती है वो केवल स्नातक होती है। कुछ पद ऐसे होते हैं जैसे JSO का पद है, तो इसमें 60% मार्क्स होने चाहिए 12 में, कक्षा 12 में, और वही होना चाहिए, और साथ में लिखा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स इन ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स भी होना चाहिए, गणित। नीचे यहाँ पर लिखा है फॉर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकेंड के लिए बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए, साथ में इकोनॉमिक स्टैटिक्स या मैथ एज ए कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो ग्रेजुएशन में या तो इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स हो या मैथमेटिक्स होना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर ये दो पदों के बारे में जानकारी दी गई, और तीसरा एक और पद है रहता है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, इसमें बेहतर की डिग्री मांगी गई है, और साथ में 1 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो ये इसकी योग्यता है। ये दो तीन पदों के लिए है, बाकी तो बहुत सारे पद हैं जिसमें केवल BA मांगा जाता है। और इसी तरीके से आप लोगों को इसमें एज लिमिट भी आप लोगों को अलग अलग देखने को मिली, कुछ पदों में जैसे ये पद है उनमें 27 साल, इस पद के लिए 18 से 30 साल, इस पद के लिए 18-27 साल, और इस पद के लिए 20 से 30 साल के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। तो हमने डाक विभाग की भर्ती की बात कर लिया, UPSSC की 3 भर्तियों की बात और SSC की भी 2 भर्तियों की बात की। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक से अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगे गए हैं, अप्रेंटिसशिप की जो लास्ट डेट है वो 14 जुलाई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और आवेदन करने के तुरंत बाद यहाँ पर 27 जुलाई को इसका एग्जाम भी है। लेकिन अप्रेंटिसशिप की जो टाइम लिमिट है वो 1 वर्ष होगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और आवेदन शुल्क लिखा 944 रुपये है, ये देखिए जनरल OBC और EWS के लिए। आवेदन कैसे करना है उसके लिए भी यहाँ पर PNB India.in वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान से डिप्टी जेलर के 73 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है,
और इसके लिए आवेदन आज से शुरू हो रहा है, 8 जुलाई से। ये देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ राजस्थान राज्य की संस्कृति का ज्ञान, देवनागरी लिपि में हिंदी भी लिखना आना चाहिए। आयु सीमा इसकी 18 से 26 के बीच में होना चाहिए। वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in, यहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि चयन की प्रक्रिया ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में फिजिकल होगा और इंटरव्यू होगा। तो याद रखिएगा डिप्टी जेलर की जो लास्ट डेट है वो 6 अगस्त है। अगली जो भर्ती है वो झारखंड की है, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बहाली की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्वास्थ्य विभाग में 500 से अधिक क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती निकाल दी है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा। 2 सितंबर तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं, फोटो और सिग्नेचर 4 सितंबर तक अपलोड किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए हाईस्कूल पास ही मांगा गया है और आयु सीमा यहाँ पर देख सकते हैं अधिकतम 35 साल, जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए यहाँ पर 40 साल। दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु सीमा में 10 साल की छूट भी दी जाएगी। वेबसाइट है jssc.nic.in। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।